जिला महिला मोर्चा ने किया जिले का भ्रमण। धार जिला महिला मोर्चा के अध्यक्ष श्रीमती कुसुम सोलंकी अपनी टीम के साथ धार जिले के बदनौर विधानसभा क्षेत्र का सघन भ्रमण कर रही है। हर गांव-गांव से महिलाओं को बदनौर विधानसभा में बनने वाली कपड़े की फैक्ट्री में महिलाओं को ही रोजगार मिले एवं महिलाओं को प्रशिक्षित करके महिलाओं को रोजगार दिया जा सके, इस तारतम्य में केसर में भी महिला अध्यक्ष ने महिलाओं की मीटिंग ली एवं आगामी विधानसभा क्षेत्र में महिलाओं पर एक सेमिनार बदनौर में रखा गया है। इसमें सम्मिलित होकर बदनौर बनने वाला ग्राम छायन में कपड़े की फैक्ट्री में महिलाओं को रोजगार मिले, इस अवसर पर श्रीमती माधवी सोलंकी, सुनीता परमार, सारिका दीदी केसूर से, आशा चौहान, श्रीमती किरण परमार ने महिलाओं को शासन की योजना के अनुसार महिला रोजगार में सम्मिलित होने का आह्वान किया है। महिला मोर्चा की ओर से केसूर में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं आशा कार्यकर्ताओं का भी सम्मान किया गया। इन्होंने लाडली बहना योजना पर विशेष सहयोग प्रदान कर रही है। केसूर से अनिल परमार की रिपोर्ट। धार जिले की महिला मोर्चा, धार जिले का भ्रमण कार्यक्रम चल रहा है आपका, हर तहसील में हर गांव में जा रहे हो आपका, इसका मकसद क्या है? सबसे पहले तो आप सभी को नमस्ते भाई साहब। हमारे माननीय मंत्री जी साहब ने कहा कि जितने भी अपनी विधानसभा में महिला है सबसे पहले उनको अपन को रोजगार से जोड़ना है। तो जो छायन में एक प्रोजेक्ट आया है सिलाई का, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएँ जुड़े, उसमें 12,000 महिलाएँ को काम पर लगाया जाएगा। तो उसके लिए सभी को पहले बताना पड़ेगा, तो इसलिए हम महिला मोर्चा को काम दिया। वैसे काफ़ी संगठन काम कर रहे हैं, उसमें एनजीओ वगैरह भी काम कर रहे हैं, पर वो बस बता नहीं रहे ठीक से, और कोई भी किसी को भी ले रहे, पर हम चाहते हैं कि जो अपनी पार्टी से जुड़े हुए हैं उन लोगों को हम ज़्यादा इस काम पर लगाएँ। तो उसमें उन्होंने 18 से 35 साल की उम्र का रखा है और 5 मई को ट्रेनिंग होगी, वो 1 महीने की ट्रेनिंग है, उसके बाद उनको डायरेक्ट सितंबर में शायद उसका ओपनिंग हो जाएगा कंपनी का, और डायरेक्ट उसमें वो अपॉइंटमेंट हो जाएंगे। इसमें धार जिले की महिलाएं को प्राथमिकता है कि और दूसरे जिलों की महिला, इसमें कोई भी महिला आ सकती है, पर ज़्यादा से ज़्यादा मंत्री साहब का कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसी विधानसभा की महिलाएँ वहाँ पर काम कर लेती हैं। वैसे हम सभी को बता रहे हैं 12,000 मतलब 12,000 महिला बहुत होती है, तो 12,000 महिला तो इसी बदनौर विधानसभा से नहीं होगी, तो हम बाकी लोगों को भी बताएंगे, पर सबसे पहले हमारा मकसद है कि हम बदनौर विधानसभा को कवर करें। 2024 की क्या तैयारी चल रही है महिला मोर्चे की? बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से चल रही है भाई साहब। अभी हमारा सबसे पहला फोकस कि जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने लाडली बहना का जो किया, तो हम घर घर जा रहे हैं और एक एक बहन को बोल रहे हैं कि आपने फॉर्म भरा कि नहीं भरा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो भी उनको बता के और अवगत करा के और उनका फॉर्म कम्प्लीट कर रहे हैं। और हमारा बस गूगल बच चुका है, हम लोग सब विधानसभा की तैयारी भी कर रहे साथ साथ में। और अभी एक इसका महिला मोर्चा का एक बड़ा कार्यक्रम आया 27 तारीख को, ये प्रोग्राम हम बड़े पैमाने पे बदनौर विधानसभा में ही रख रहे हैं। इसमें सुषमा स्वराज अवार्ड उन उत्कृष्ट महिला को दिया जाएगा जिन्होंने कोरोना के समय अच्छा काम किया है, या फिर वो कोई समूह चलाती है और समूह में काफ़ी महिलाओं को उन्होंने काम दिया, ऐसे मतलब काफ़ी कैटेगरी 5-10 कैटेगरी उन लोगों को हमने दिया है और 10 महिलाओं को हम पुरस्कृत करेंगे। और ये कार्यक्रम कहाँ होगा? ये कार्यक्रम बदनौर में होगा और बड़े पैमाने पर होगा। आपका परिचय? मैं धार से कुसुम सोलंकी, जिला अध्यक्ष महिला मोर्चा। आपके साथ में जो आपके परिचय? जी, मेरा नाम सुनीता परमार है, बदनौर से नगर मंडल अध्यक्ष। आपका परिचय? माधवी कुमार सोलंकी, महिला मोर्चा, पूर्व महिला, पूर्व जिला महामंत्री।